नमस्कार दोस्तों गुरुकुल कवीर जी में आप सभी का स्वागत है हम आपके लिए डेली वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो रेलवे पुलिस एन ग्रुप डी एस एस सी सी एच एल एम टी एस डी सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं जो आपके आने वाले किसी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल बेनिफिश हैं फ्रेंड्स वीडियो को अगर जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी आने वाले किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चनों का फायदा उठा सकें फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अब वो पाँच सेकेंड का समय दिया जाएगा उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे तो फ्रेंड्स चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ कहां पर है ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट डमोलिम हवाई अड्डा कहां स्थित है फ्रेंड्स डमोलिम हवाई अड्डा कहां स्थित है जो फ्रेंड्स में है गोवा में फ्रेंड्स डमोलिम हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विश्व युद्ध की अवधि क्या थी फ्रेंड्स? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी जी फ्रेंड्स उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ अठारह और उन्नीस सौ उनतालीस से उन्नीस सौ पैंतालीस तक क्या थी फ्रेंड्स उन्नीस सौ उनतालीस से उन्नीस सौ पैंतालीस तक और प्रथम की उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ अठारह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट प्रसिद्ध मामा बांचा मंदिर किस राज्य में है फ्रेंड्स किस राज्य में है जहां फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में मामा बांजा मंदिर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट किसे कभी भी भंग नहीं कर सकता फ्रेंड्स किसी कभी भी भंग नहीं किया जा सकता कौन फ्रेंड्स जी फ्रेंड्स राज्यसभा को राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता इसके एक तिहाई सदस्य दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं क्या होते हैं फ्रेंड्स इसके एक तिहाई सदस्य दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और ये किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? फ्रेंड्स हैदराबाद कौन सी फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स देख नेक्स्ट इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है फ्रेंड्स इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है, है? जहां फ्रेंड्स लाल रंग होता है सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी जी फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसरे का फ्रेंड्स देखे नेक्स्ट डांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स डांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था हाँ, फ्रेंड्स अहमदाबाद के साबरमती से कहाँ से अहमदाबाद के साबरमती से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट कनिष्ठ का संबंध किस राजवंश से था फ्रेंड्स किस राजवंश से था कनिष्ठ का संबंध जिया फ्रेंड्स कुषाण वंश से थे? था फ्रेंड्स कनिष्क का शब्द कुषाण वंश से था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बाद शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे फ्रेंड्स चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे जी फ्रेंड्स कनिष्क के कहा के चरक कनिष्क के दरबारी कवि थे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का फ्रेंड्स नेक्स्ट भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है फ्रेंड्स भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है जी हाँ फ्रेंड्स इक्कीस वर्ष से मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है फ्रेंड्स इक्कीस वर्ष से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का फ्रेंड्स देखे नेक्स्ट संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है जहां फ्रेंड्स चौवालीस माह संपत्ति के अधिकार को चौवालिस माह संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है और ये उन्नीस में हटाया गया है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है जय फ्रेंड्स जेलम नदी के तट पर स्थित है किस पे फ्रेंड्स जेलम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड्स देख नेक्स्ट वाय मंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है फ्रेंड्स वाय मंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है जय फ्रेंड्स अक्षो मंडल क्या कहलाती है फ्रेंड्स सबसे निचली परत अक्षो मंडल कहलाती है और समता मंडल दूसरी है कौन सी फ्रेंड्स दूसरी आयन मंडल चौथी कौन फ्रेंड्स चौथी और सबसे पांचवी फ्रेंड्स लास्ट में कौन सी रह गई लास्ट में बहिर्मंडल पांचवी और सबसे नेचल क्या कहलाते है फ्रेंड्स अक्षो मंडल कहलाती है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था फ्रेंड्स दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था जी फ्रेंड्स शाहजहा शाह ने बनवाया था और यह दिल्ली में है ऑप्शन नंबर बी राइट फ्रेंड्स नेक्स्ट भारत में बैकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है फ्रेंड्स भारत में बैकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है जी फ्रेंड्स आरबीआई के द्वारा किसके द्वारा बैंकिंग सेक्टर आरबीआई के द्वारा संचालित होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट भाषाओं का संबंध सीधान किस अनुसूचित से है फ्रेंड्स भाषाओं का संबंध सीधन किस अनुसूचित है जी हाँ फ्रेंड्स आठवीं आठवीं अनुसूचित से है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देखिए नेक्स्ट देखे फ्रेंड्स पोलियोटिक का सर्वप्रथम किसने तैयार किया फ्रेंड्स के को सर्वप्रथम किसने तैयार किया जी फ्रेंड्स जोनी साल्क ने किसने तैयार किया फ्रेंड्स पोलियो टिक्के को सर्वप्रथम जोनी साल्क ने तैयार किया था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स देखे नेक्स्ट प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था सौ सत्तावन ईस्वी में कब हुआ था फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध सत्रह सत्तावन ईस्वी में हुआ था ऑप्शन नंबर और बक्सर का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध सत्रह सौ ईस्वी में हुआ था देखिए नेक्स्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है फ्रेंड्स सबसे बड़ा शहर कौन सा है मध्य प्रदेश का जहां फ्रेंड्स इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद किस पद कौन दिलाता है फ्रेंड्स भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद किस पद कौन दिलाता है जहां फ्रेंड्स राष्ट्रपति कौन दिलाता फ्रेंड्स राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को उनके पद किस पद दिलाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी जी फ्रेंड्स जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है फ्रेंड्स कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है जी फ्रेंड्स, अनुच्छेद तीन सौ कौन है फ्रेंड्स अनुच्छेद तीन सौ तरतालीस हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर फ्रेंड्स। देख नेक्स्ट रामचरित मानस के लेखक कौन है फ्रेंड्स रामचरित मानस के लेखक कौन है जिया फ्रेंड्स तुलसीदास है तुलसीदास रामचरित मानस के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट। फतेहपुर का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था जी हाँ फ्रेंड्स अकबर ने अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फ्रेंड्स देखे नेक्स्ट भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान का स्थित है फ्रेंड्स ऊष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान का स्थित है जहां फ्रेंड्स पुणे में पुणे में उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट अंडेमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स अंडेमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर क्या फ्रेंड्स अंडे मानिकोबारिकोनी फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन नंबर बी राइट है फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या होता है फ्रेंड्स रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या होता है जहां फ्रेंड्स जड एन होता है क्या फ्रेंड्स जड एन रासायनिक धातु जस्ता का संकेत होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फ्रेंड्स देख नेक्स्ट पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होता है फ्रेंड्स पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होता है जल्दी तो है फ्रेंड्स जहां फ्रेंड्स चार जुलाई को कब होता फ्रेंड्स पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी को कब होता है फ्रेंड्स चार जुलाई को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है जी हाँ फ्रेंड्स मुंबई में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है फ्रेंड्स किसको कहते हैं आत्महत्या थैली जिया फ्रेंड्स लाइसोसोम को लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट मनुष्य का रक्तचाप चाप सम्यता कितना होता है फ्रेंड्स मनुष्यकार चाप सामना कितना होता है जिया फ्रेंड्स एक सौ बीस बटा अस्सी होता है कितना फ्रेंड्स एक सौ बीस बटा अस्सी होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फ्रेंड्स नेक्स्ट स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड्स स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है जी फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन को लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स देख नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है फ्रेंड्स कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है जहां फ्रेंड्स अनुच्छेद चालीस, है कौन सा फ्रेंड्स अनुच्छेद फोर्टी ग्राम पंचायतों से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट एसएमएस का विस्तृत रूप क्या है फ्रेंड्स एसएमएस का विस्तृत रूप क्या है फ्रेंड्स शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस एस एम एस का विस्तृत रूप क्या फ्रेंड्स शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट औषधि का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स औषधि का जनक किसे कहा जाता है जहां फ्रेंड्स रस्तु को रस्तु को औषधि का जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का फ्रेंड्स देख नेक्स्ट रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स रक्त का पीएच मान कितना होता है जी हाँ फ्रेंड्स सात पॉइंट चार होता है रक्त का पीएच मान सात पॉइंट चार होता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है फ्रेंड्स दूरी का प्रकाश वर्ष दूरी का मात्र है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का फ्रेंड्स देख नेक्स्ट कपास किस प्राप्त होता है फ्रेंड्स कपास किससे प्राप्त होता है जहां फ्रेंड्स बीज से कपास बीज से प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस वीडियो में कमेंट करें जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सही किए हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आज के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत